जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वनकम। आज है संडे और आज है पन्ना फौजी का फोर्थ ब्लॉग। गाइस आप लोग प्यार सपोर्ट दिया कीजिए। सुबह के बज रहे हैं 6, अभी आ रहा हूँ मैं मॉर्निंग वॉक से। चलो बच्चों को जगाते हैं। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मैं आया हूँ मॉर्निंग वॉक से और वायरल गर्ल चिला रोटी श्रेया सो रही है, जो चिला रोटी खा के जाती है स्कूल। चिला रोटी आप लोगों को पता नहीं होगा, चिला रोटी बोलते हैं डोसा को। और देखो कैसे मुंह बना रही है श्रेया। एग्जाम है बेटा कल, आपका उठना नहीं है आपको? कल नहीं है, परसों है। कल नहीं परसों है, तो पढ़ना नहीं अभी? अभी कौन पढ़ेगा? अभी कौन पढ़ेगा? तो कितना टाइम पढ़ोगे? 6 बजे? तो 6 तो बज चुके बेटा। और ये देख रहे हो उसका भैया राज मुंह छिपा रहा है बोल रहा इतना सुबह सुबह जगा दिया। किसी के पापा फौजी होना बहुत ही क्या है बेटा, क्या है बता? गुस्सा कहते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं देर तक सोने पर। बच्चे बता रहे हैं जैसे कि पापा क्या करते हैं देर तक सोने पर? हाँ तो जल्दी उठना है ना, फिट रहना है कि नहीं रहना बताओ? आपको फिट रहना है कि आपको मोटी होना है? फिट रहना है। तो मैं तो हमेशा रहती हूँ। तो फिट रहना है। तो आपके पापा फौजी हैं तो अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छे हैं, तभी तो आप बोल रहे थे। पर ज्यादा टाइम में आप डांटने लग जाते हो। हाँ पापा डांट लगाने लग जाता है आपको? हाँ। क्या बोलता है? पागल का दौरा शुरू हो जाता है ना, तो डांट श्रेया जैसी की बोल रही, पापा बहुत गुस्सा करने लग जाते हैं देर तक सोने पर। तो उठो बेटा, देखो पापा आ गए ना घूम के। चलो सभी गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आज कौन सा तारीख है बेटा? 26 फरवरी। दिन कौन सा है? संडे। संडे। तो आप आज क्या करने वाले हो? ड्राइंग कंपटीशन। ड्राइंग कंपटीशन। और आज आपको एक और स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है। हाँ। जिसका लेटर कौन सा से शुरू होता है गिफ्ट मिलने वाला है उसका? सी। सी। हाँ। सी फॉर? गेट मैरिड एनिमल। सी फॉर? आई डोंट नो। सी फॉर कैडबरी डेयरी मिल्क। वाह, कैडबरी डेयरी मिल्क। डेली मिल्क, डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क। अभी भी मुंह फूल ही रहा है पापा जानते ना कुछ। राज इतना सारा बड़ा खा लेगा? इतना सारा कितना बड़ा है? 100। देख सकते हो ये बड़ा गिनती कर रहा है, इतना खाने के लिए बैठा है। 25 बड़ा। अश्रेया आप भैया के साथ नहीं खा रही हो? और चटनी में क्या है राज? 3 कटोरी चटनी टोमेटो की और दही मिर्ची। मजा आ रहा है, खाए जा रहे हो? श्रेया आज किस चीज का कंपटीशन है? ड्राइंग। कौन सा ड्राइंग बन रहा है आज? भैया देख रहे हैं कौन सा बनाऊं। क्या देखे हैं, क्या बना रहे हो आज? स्केचिंग बनाना है इसका। दिखाओ। दिखाओ अपने सिस्टर को भी। इसका कंपटीशन होगा? चलो ठीक है फिर कंपटीशन शुरू करो। 5 मिनट में? 5 मिनट में कैसे बनेगा? 5 मिनट तो 10 मिनट नहीं, 5 मिनट का टाइमर है। नहीं तो? हाँ तो वो अपने पास रखा है, मोबाइल को देखो ना।
लो ठीक है, वो बीच में रखो मोबाइल को, मोबाइल को बीच में रखो, और वो जो फनी वाला गाना सुने उसको गा के बता दो एक बार। नहीं। गा दो एक बार, गा दो फिर जो अच्छे से वो करना। कौन सा था वो गाना जल्दी से बोलो, जो आज आपने फनी गाना सुना है उस फनी गाने का वो बताओ। कौन सा गाना? जो कुकर बनाने वाला बजा रहा था। माइक में गाओ, माइक में, माइक में। बसंती छोले, बसंती छोले, बसंती छोले। कौन सा गाना है? मेरी दादी के नाम से शुरू। हाँ चलो, क्या बोलता है उस गाने में? रंगे बसंती छोले, छोले। रंगे बसंती छोले। देखो पापा ये स्टार्ट भी कर दिया है। तो कोई बात नहीं, आप भी कर लेना, आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। चलो शुरू करो। सवाल पूछूं मैं? हाँ। सबसे ज्यादा नशा किसमें होता है? किताब। सबसे ज्यादा नशा किसमें होता है बोला आपने? किताब। कैसे बताओ, एक्सप्लेन करो। क्योंकि किताब खोलते ही नींद आ जाती है। अच्छा, ये था आज का क्वेश्चन। तो इसमें नशा हो जाता है, नशा हो जाता है उससे। हाँ, देखते ही नींद आने लग जाती है। हाँ चलो, आज संडे को ड्राइंग कंपटीशन जल्दी से। जैसा कि दोस्तों देख रहे हो, आज है ड्राइंग कंपटीशन श्रेया और राज का। टाइमर कितना समय का लगा रहे हो? 5 लगाओ। चलो 5 नहीं 10। ठीक है, 10 मिनट का लगा दो। ड्राइंग ठीक है, चलो बनाओ। और हम लोग का आपको उस दिन का गिफ्ट भी नहीं दिए हो। हाँ आज दूंगा ना, आज मिल जाना चाहिए। हाँ आज मिल जाएगा आप लोग गिफ्ट। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हो, आज है ड्राइंग कंपटीशन श्रेया और राज का। श्रेया और राज कर रहे हैं ड्राइंग कंपटीशन। श्रेया अभी सर भी नहीं उठाएगी क्योंकि उसको ड्राइंग कंपटीशन करना है और जीतना है। श्रेया, सबसे ज़्यादा नशा किस में होता है? किताब। कैसे? क्योंकि किताब खोलते ही नींद आ जाती है। हाँ इसलिए नशा होता है उसमें। तो आदमी जो है दारू क्यों पीता है फिर? इससे अच्छा किताब खोल लेते ना। हाँ का दुकान, दारू का दुकान क्यों खोले हैं? बहुत बढ़िया संदेश बेटा, बहुत बढ़िया। किताब का दुकान खोलना चाहिए दारू की दुकान के बदले। नहीं, किताब का दुकान तो खुला है पर दारू का दुकान ज्यादा खुला। क्या आपके पापा फौजी होते हुए भी दारू पीते हैं? नहीं। आपके पापा को पीना चाहिए ना? क्यों आप नहीं बोल रहे हो? क्योंकि मुझको ना दारू से नफरत है। हाँ आप दारू से नफरत करती हो? तो नफरत करते हो तो उसको पीने वालों की संख्या तो बहुत है बेटा, कितने से नफरत करोगे? दारू से नफरत है कि पीने वालों से भी नफरत है? जो लोग ना दारू पी के दारू के दम में बात करते हैं उससे हम मुझको नफरत है। हाँ दारू के दम में। हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब दारू जब पी लेते हैं उसके बाद ही बात करते हैं। हाँ। उनके लिए आप कौन सा गाना गाओगे? तेरा नशा बड़ा तनु अखा भी श्रेया तो बताइए। बताओ श्रेया, दारू पीने वालों से नफरत है उसको? दारू से, दोनों से। हाँ। नफरत नहीं करते बेटा? नफरत क्यों नहीं करूंगी? अरे दारू बना रहे हैं तो पी रहे हैं, जो चीज आएगा मार्केट में। बना ही क्यों रहे हैं तो? और एंजॉयमेंट के लिए बनाते हैं उसको। पास टोटल टाइम बच गया है 5 मिनट्स।
5 मिनट्स और बच गए। 5 मिनट्स में मेरा नहीं हो पाएगा। होगा होगा, आप तब तक को फनी वाला एक स्टोरी सुना दो। मेरा ही टाइम आप क्यों लूट रहे हो, उसका लूटो ना। अच्छा टाइम लूट रहा हूँ क्या मैं? चलो राज बताओ तो बेटा, आप फनी वाला स्टोरी कौन सा था जो आप सुना रहे थे? राज बताओ बताओ। एक ताल पर बंदर बैठा था जिसने गड्ढा खोद रखा था। शेर आ रहा था उसी रास्ते से। शेर ने गड्ढा नहीं देखा तो शेर उसी गड्ढे में गिर गया। बंदर बोला, तुम तो बड़े राजा बनने घूमते रहते हो जंगल का, आज तुम्हारी हेगड़ी निकल गई। बंदर वैसे बोल के जोर जोर से हंसने लगा, पर बंदर जिस डाली पे खड़ा था उस डाली के नीचे ही गड्ढा था। डाली टूटी तो बंदर भी उसी गड्ढे में गिर गया। तो फिर बंदर क्या बोलता है, माँ कसम माफी मांगने के लिए कूदा था बोलता है। दोस्तों जैसा कि अब लास्ट बचा है डेढ़ मिनट, डेढ़ मिनट अब फटाफट जिसको जिसको अपना फिनिशिंग करना है कर लो, डेढ़ मिनट है बस, एक मिनट 25 सेकंड बचा। एक मिनट 19 सेकंड, अब बचा सिर्फ एक मिनट, अब लाइव दिखाया जाएगा। ये राज का है। अच्छा से चलो चलो बोलो बताओ। ये है मेरी ड्राइंग, देख लो डिटेलिंग कैसी है, बताना कमेंट में जरूर। हाँ कमेंट्स में जो बताएगा वही आएगा ना फर्स्ट। हाँ। ठीक है अब श्रेया आप अपना बताओ। डिसलाइक दे दे। मेरा ड्राइंग ऐसा है। अरे वाह, जिसमें कमेंट माफ कर। अच्छा बनाया आपका ड्राइंग भी, और ये भैया का ड्राइंग है, आपका ड्राइंग है ना। सो गाइस मैं जा रहा हूँ अस्सी वाले डेयरी मिल्क लेने। जैसे हमारे सेकंड ब्लॉग में बताया गया था जो विनर होगा उसको मिलेगा क्या के, अब हम जा रहे हैं अस्सी वाले डेयरी मिल्क लेने। चलो चलते हैं और देख सकते। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कर दो यार सब्सक्राइब, यार सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया है कर दो, हाथ जोड़ के।